हेलो, माई सेल्फ बलदेवराम माली, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। टॉपिक ऑफ माई ई लेक्चर इज़ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, सब्जेक्ट कोड CS208। सबसे पहले हम मशीन लैंग्वेज क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ईच मशीन और कंप्यूटर हैज इट्स ओन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन डिज़ाइन ऑफ इट्स CPU माइक्रो प्रोसेसर। टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर, वन मस्ट गिव इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी लैंग्वेज, ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज। मीन्स ईच माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर का खुद का जो है वो एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है, और वो इंस्ट्रक्शन सेट उस माइक्रो प्रोसेसर की डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़र को बाइनरी लैंग्वेज के अंदर या मशीन लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है। द नंबर ऑफ बिट्स इन अ वर्ड फॉर अ गिवन मशीन इज फिक्स्ड। वर्ड्स आर फॉर्मेड थ्रू वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बिट्स। ईच मशीन के लिए वर्ड साइज की बिट्स फिक्स होती है, और जो वर्ड्स हैं उन बिट्स के वेरियस कॉम्बिनेशन से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मशीन विथ अ वर्ड लेंथ ऑफ 8 बिट्स कैन हैव 2 पावर 8, 256 कॉम्बिनेशंस। द माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन इंजीनियर सेलेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ बिट पैटर्न्स एंड गिव्स अ स्पेसिफिक मीनिंग टू ईच कॉम्बिनेशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट्स। दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइंड इन टू द मशीन मेक्स अप इट्स मशीन लैंग्वेज, अ बाइनरी लैंग्वेज कंपोज्ड ऑफ 0 and 1। एट जीरो एट फाइव मशीन लैंग्वेज। द 8085 माइक्रो प्रोसेसर विथ 8 बिट वर्ड लेंथ। एन इंस्ट्रक्शन इज अ बाइनरी पैटर्न टू टेल द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इंस्ट्रक्शन जो है एक बाइनरी पैटर्न होता है जो माइक्रो प्रोसेसर को एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कमांड देता है या उसको इंस्ट्रक्शन देता है। फॉर एग्जांपल, 0100111 इज एन इंस्ट्रक्शन दैट मूव कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर ए इनटू रजिस्टर सी। द 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज़ 246 such binary patterns and generating 74 different instructions. These 74 different instructions are called its instruction set. This binary language with a predefined instruction set is called the 8085 machine language. Because it is tedious and error inductive for people to recognize and write instructions in binary language. Binary language के अंदर जो हैं वो users को, persons को instructions write करना और उनको समझना बहुत ही ज़्यादा difficult और error prone है, उसमें error आ सकती है। इसलिए इन instructions को बाइनरी लैंग्वेज में राइट करने के बजाय कन्वीनियंस के लिए हेक्साडेसिमल कोड इन बाइनरी पैटर्न्स की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बाइनरी इंस्ट्रक्शन 0011 1100 इज इक्विवेलेंट टू 3C इन हेक्साडेसिमल। मींस ये जो 8 बिट का पैटर्न्स हैं इसका इक्विवेलेंट हेक्स कोड यूज़ किया जाता है।
तो हेक्स कोड को जो है यूज़ करना और राइट करना बाइनरी पैटर्न्स के कंपैरिजन के अंदर आसान है, उसको रिकॉग्नाइज भी करना भी इजी है। दिस इंस्ट्रक्शन कैन बी एंटर्ड इन अ सिंगल बोर्ड माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम विद द हेक्स कीबोर्ड बाय प्रेसिंग 2 key 3 and C। द मॉनिटर प्रोग्राम ऑफ द सिस्टम ट्रांसलेट्स दीज कीज इंटू देयर इक्विवेलेंट बाइनरी पैटर्न। मॉनिटर प्रोग्राम जो हैं वो इन कीज़ को, इन हेक्साडेसिमल कोड्स को इक्विवेलेंट बाइनरी पैटर्न्स के अंदर ट्रांसलेट कर देता है। नाउ वी डिस्कस 8085 असेंबली लैंग्वेज। इवन दो द इंस्ट्रक्शन कैन बी रिटन इन हेक्साडेसिमल कोड, इट इज़ स्टिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम रिटन इन हेक्साडेसिमल नंबर्स। इवन दो जो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस हैं, बाइनरी पैटर्न्स हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए, उन पैटर्न्स के स्थान पे हेक्साडेसिमल कोड को यूज़ कर लिया गया, फिर भी हेक्साडेसिमल कोड्स के अंदर भी पूरा प्रोग्राम जो बिग साइज का होता है उसको अंडरस्टैंड करना और राइट करना डिफ़िकल्ट होता है। देयरफॉर ईच मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हैज़ devised a symbolic code for each instruction called a mnemonics। इसलिए माइक्रोप्रोसेसर मैन्युफैक्चरर जो हैं वो इन जो हेक्साडेसिमल कोड्स के स्थान पर जो हैं वो सिम्बोलिक कोड्स डिज़ाइन कर दिए गए हैं जिनको निमोनिक्स कहा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाइनरी इंस्ट्रक्शन 0100 1111 इन हेक्साडेसिमल दिस इज इक्वल्स टू 4F ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज रिप्रेजेंटेड बाई द निमोनिक्स MOV C, A इंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज इंग्लिश लाइक, और इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्लियर है कि कंटेंट्स जो हैं रजिस्टर ए के वो रजिस्टर सी में ट्रांसफ़र होंगी। तो इस तरह से हर बाइनरी इंस्ट्रक्शंस के लिए जो हैं वो निमोनिक्स डिज़ाइन कर दिए गए हैं, जिन इन निमोनिक्स की हेल्प से प्रोग्राम को राइट करना और अंडरस्टैंड करना आसान है। द कंप्लीट सेट ऑफ द 8085 निमोनिक्स इज कॉल्ड द 8085 असेंबली लैंग्वेज and a program written in these mnemonics is called an assembly language program. 8085 microprocessor के complete mnemonics set को 8085 assembly language कहा जाता है, और इन 8085 assembly language के mnemonics को write करके जो program write किया जाता है उसे assembly language program कहा जाता है। Assembly language and machine language are microprocessor specific and both are considered low level languages. Machine language और assembly language दोनों ही microprocessor specific होती है, microprocessor की design के according उनको fix किया जाता है, और दोनों ही language low level language कंसिडर की जाती है। इसलिए दोनों असेंबली और मशीन लैंग्वेज में राइट किया गया प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर दूसरे टाइप की मशीन पे रन नहीं होता है। द निमोनिक्स कैन बी रिटन बाय हैंड ऑन पेपर एंड ट्रांसलेटेड मैनुअली इन हेक्स कोड इज कॉल्ड हैंड असेंबली। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करने के लिए सबसे पहले निमोनिक्स को एक पेपर पे राइट किए जाते हैं, और फिर उन निमोनिक्स को इक्विवेलेंट जो हैं वो हेक्स कोड के अंदर जो है मैनुअली बाय हैंड ट्रांसलेट किया जाता है, तो इसको जो कहा जाता है हैंड असेंबली।
इसके बाद में ऐसे टूल्स डिज़ाइन हो गए जो टूल्स इन सारे निमोनिक्स को या निमोनिक्स का यूज़ करके जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा हुआ है उस प्रोग्राम को बाइनरी कोड के अंदर ट्रांसलेट कर लेते हैं, उन प्रोग्राम्स को बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में राइट किए गए प्रोग्राम्स को इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता है। ओके, इस तरह से हमने असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को कंसीडर किया है, साथ में 8085 माइक्रो प्रोसेसर की मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के बेसिक कंसेप्ट को भी डिस्कस किया है। इस ई लेक्चर में मैंने एज ए रेफरेंस बुक यूज़ की है, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशंस विद द 8085 माइक्रो प्रोसेसर बाय रमेश एस गोनकर। ओके, थैंक्स।